नमस्कार जय साई राम मैं ब्रिजमोहन सूरी मोटिवेशनल स्पीकर साई ग्रंथ राइटर रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में ये चैनल आपका अपना चैनल है आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय सबसे बड़ा प्रसाद कौन सा होता है सबसे बड़ा भोग कौन सा होता है जो हम परमात्मा को अर्पित करते हैं समर्पित करते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रसाद कौन सा है बहुत से भक्त ऐसा सवाल मुझसे किया करते हैं कि ऐसा क्या परमात्मा को चढ़ाएं जिससे कि वह प्रसन्न हो जाएं और हमारी प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति हो जाए या पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से हमारी ओर वेग से बहने लगें ऐसा कौन सा प्रसाद है बात चाहे साईं बाबा की हो बात चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी की हो बात चाहे भगवान शिव जी की हो कौन सा भोग कौन सा प्रसाद ऐसा है जो उनको बहुत प्रिय है भक्तों की जिज्ञासा का ये सदैव विषय रहा है और भक्त सदैव विचार करते रहे हैं कि ऐसा कौन सा भक्त ऐसा कौन सा भक्त होगा जो बहुत ही प्रेम से प्रसाद चढ़ाता हो और परमात्मा जल्दी मिलते हो और ऐसा प्रसाद भी कौन सा होगा तो आज हम इस विषय पर यहाँ पर चर्चा करेंगे आपको बताएंगे कि प्रसाद कौन सा हो भोग कौन सा हो जो परमात्मा को अर्पित करें तो इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है बहुत सारे वक्त पहले तो ये सवाल किया करते हैं कि हम थाल भरकर परमात्मा के समक्ष रख देते हैं और परमात्मा उसमें से एक निवाला भी नहीं लेते हैं तो कैसे पता चलेगा कि उसका भोग लग चुका है कैसे पता चलेगा कि वह प्रसाद बन चुका है कैसे पता चलेगा कि वह अमृत बन चुका है तो सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमात्मा खाते नहीं हैं सुगंध लेते हैं परमात्मा का पेट सुगंध से भरता है भोजन वही लेता है जो शरीर रूप से इस धरती पर आता है जो शरीर से नहीं है वह सुगंध लेता है परमात्मा सुगंध लेते हैं और दूसरा परमात्मा अपने वचनों में कहते भी हैं कि यदि मुझे खाते हुए देखना है यदि आप चाहते हो कि मैं खाऊं तो किसी मजबूर व्यक्ति को किसी जानवर को किसी पक्षी को खिला दीजिए जब वह खा रहे होंगे तो उसमें आपको मेरी छवि स्पष्ट नज़र आ जाएगी तो परमात्मा को यदि खाते हुए देखना है तो किसी जीव जंतु को खिलाना चाहिए हमारा आज का विषय ये नहीं है आज का विषय है कि कौन सा भोग कौन सा प्रसाद सबसे अति उत्तम है जो परमात्मा को बहुत प्रिय है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भोग जिस प्रसाद को आपने बहुत ही प्रेम के साथ बनाया है पाठ पूजा करते हुए बनाया है परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए बनाया है वही भोग वही प्रसाद परमात्मा को अति प्रिय होता है जब आप बहुत प्रेम पूर्वक भोग लगाते हैं तो वह परमात्मा को प्रिय हो जाता है इसीलिए तो बेलनी बेलनी के जो बेल थे जूठे बेर वो भी परमात्मा को बहुत प्रिय हो गए क्योंकि बहुत ही प्रेम से ये मीठे हैं कि नहीं मीठे हैं चख चख कर वह प्रभु राम के समक्ष प्रस्तुत करती रही और परमात्मा उसे खाते रहे तो जब हम प्रेम से कुछ खिलाते हैं तो परमात्मा उसे स्वीकार किया करते हैं परंतु जब अभिमान पूर्वक हम महंगी से महंगी वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में लाकर ये विचार करते हैं कि आज तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो हम वहाँ गलती करते हैं परमात्मा उससे प्रसन्न नहीं होते हैं उनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि मात्रा कितनी है और कीमत कितनी है वह तो प्यार के भूखे हैं और आपके भाव के भूखे हैं आप ज़्यादा मात्रा में इसलिए लाए कि वहाँ गरीब व्यक्ति हैं उनका पेट भर जाएगा तो यहाँ पर भाव बहुत अच्छा है ये भोग जरूर स्वीकार होगा परंतु आप ज़्यादा मात्रा में इसलिए लाए कि वहाँ पर अमीर अमीर व्यक्ति आएंगे, सभी देखेंगे और आपका नाम होगा तो वहाँ पर भोग स्वीकार नहीं होगा तो परमात्मा आपके भाव के भूखे हैं जिस भाव से आप जो कार्य करते हैं उसी भाव से उसे स्वीकार किया जाता है यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे किसी भी अवस्था में भोग लगाया जा सकता है जो झूठी नहीं होती है वह है दूध दूध को परमात्मा ने अमृत का रूप दिया है जो माँ के सतन से प्रवाहित होता है ये वह खुराक है जो धरती पर पैदा होने वाले नवजात शिशु के लिए परमात्मा साथ ही भेजते हैं यह अमृत तल्ले है क्योंकि प्रॉपर फूड है और इसमें एक बच्चे की पालन पोषण के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ इसमें होता है तो ये किसी भी अवस्था में कभी भी जूठा नहीं होता है किसी भी अवस्था में कभी भी दूध का भोग परमात्मा को लगाया जा सकता है तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रसाद अति उत्तम है जो प्रेम पूर्वक अच्छे भाव से समर्पित किया जाता है वही प्रसाद उत्तम है परमात्मा के समक्ष प्रसाद का थाल रखते हुए प्रार्थना करने चाहिए कि हे प्रभु जो रूखा सूखा हमारे पास है हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं इसे स्वीकार कीजिए और इस भोजन को अमृत तल्य बना दीजिए ताकि जब हम आपकी जूठन खाएं तो हमें अमृत के सभी लाभ प्राप्त हों और हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होकर पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार हो और हमारे विचार शुद्ध हों और हमारे रास्ते प्रगति की ओर बढ़ चलें तो इस प्रकार जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा की पॉजिटिव शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और परिवार में नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो जाती है यदि जादू टोना किया कराया भी होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है इसलिए आपको प्रेम पूर्वक इस भाव से प्रार्थना करते हुए प्रसाद बनाना चाहिए जब बना रहे हैं तब भी पाठ कीजिए जाप कीजिए अपने गुरु का अपने परमात्मा का फिर जब भोग लगाना है तब भी जाप कीजिए और अपने मन को शुद्ध करके प्रेम पूर्वक परमात्मा को खिलाइए परमात्मा जब स्वीकार करेंगे तो आपको बहुत अधिक इसका लाभ प्राप्त होगा अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उसका जवाब आपको तीन चार दिन में मिल जाएगा यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी जन्म कुंडली दिखाने की फीस सात सौ रुपये होती है जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं सात सौ रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा साधारण जन्म कुंडली है तो तीन चार दिन में मिल जाएगा यदि कोई योग है कोई प्रॉब्लम है कुंडली में तो समय लग जाता है क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं इसमें कौन कौन सा योग है कैसे योग बनेगा कैसे लाभ होगा यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं हाँ लाभ आपको अवश्य होगा ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी ये बात पक्की है तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें जो आप चित्र भेज देते हैं फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं वो मत भेजा करें वो हमें डिस्टर्ब करते हैं हमें आप भगवान का नाम लिख कर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी फालतू का मैसेज देख कर खुशी नहीं होती है और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिख कर पाँच मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है हम उस उस को छोड़ के आगे चले जाते हैं इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए तो अभी इजाज़त दीजिए नमस्कार और फ़ोन मत कीजिए फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है नाइन एट वन डबल फोर 50802 मेरा नंबर है व्हाट्सएप भी नंबर है पेटीएम नंबर भी यही है व्हाट्सएप नंबर भी यही है गूगल पे नंबर भी यही है तो आप इजाज़त दीजिए नमस्कार खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए